गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द एस डी पी एस ऑनलाइन क्लासेस दिस इज क्लास सिक्स सब्जेक्ट एसिस चैप्टर फिफ्थ मेजर लैंड फॉम्स ऑफ द अर्थ दिस चैप्टर बिलोंग्स टू ज्योग्राफी मेजर यानी कि बड़े लैंड फॉम्स यानी कि भू आकृतियाँ और ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की यानी पृथ्वी पर जो बड़े भूभाग हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे देखिए आपको यहाँ पर दिख भी रहे होंगे माउंटेंस प्लान्स प्लेट्यूज एक्सेट्रा सो लेट्स प्रोसीड चलो बढ़ते हैं आगे वेरियस लैंड फॉर्म ऑम द अर्थ सर्फेस आर टू टाइप्स ऑफ़ टाइप इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सटर्नल हमारी अर्थ पर जो वेरियस लैंड फॉर्म्स है अलग अलग टाइप के जो भूभाग हैं वो रिजल्ट है परिणाम है दो प्रकार की फोर्सेस का पहली है इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल यानी दो प्रकार की फोर्सेस शक्तियाँ काम करती है एक आंतरिक शक्तियाँ और एक बाहरी शक्तियाँ आंतरिक शक्तियाँ देखते हैं द इंटरनल फोर्सेस एक फ्रॉम इनसाइड द अर्थ टुअर्ड्स द सरफेस और आंतरिक जो शक्तियाँ हैं वो अर्थ के अंदर से अर्थ के सरफेस पर वर्क करती हैं द एक सडनली एंड कॉज एन अपलिपमेंट और सब्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट और ये सडनली uh, अचानक से कार्य करती हैं और इनकी वजह से या तो अपलिफ्ट हो जाता है या सब्जिस्टेंस या वो नीचे की ओर दब जाता है अर्थ का क्रस्ट अर्थ का जो सबसे बाहरी भाग है वो लीडिंग टू तो द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज और, और इन्हीं की वजह से अर्थ पर माउंटेन और प्लेट्यूज की फॉर्मेशन होता है निर्माण होता है अर्थपेक इन वॉल्केनिकप्शांस आर एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फोर्सेज और ये जो इंटरनल फोर्सेज हैं इनमें अर्थपेक और वॉल्केनिकप्शंस यानी भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जो, जो हैं वो मुख्य उदाहरण हैं नाउ नेक्स्ट देन एक्सटर्नल फोर्सेज जो बाहरी शक्तियाँ हैंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ये अर्थ की बाहरी सर्फेस पर एक्ट uh, करती है क्रिया करती हैं दे स्लोली एंड वियर डाउन द हाईलैंड्स और ये क्या करती हैं स्लोली बहुत ही धीरे धीरे काम करती हैं और वेयर डाउन द हाई लैंड जो ऊंचे-ऊंचे पर्वत हैं उन्हें कमजोर कर देती दे है हिला देती है डिपॉजिटिंग मटेरियल्स इन द लो लैंड इसके अलावा जो निचले ज़मीन है निचले लैंड है निचले भूभागे वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को डिपॉजिट कर देती है जमा कर देती है रनिंग वाटर पानी का बहना मूविंग आइस और ग्लेशियर का बहना विंड हवाओं का चलना वेव लहरों का चलना आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ये सभी एक्सटर्नल फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं द वेयरिंग डाउन ऑफ सर्फेस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन और अर्थ की जो सतह है उसका धीरे धीरे वेयरिंग डाउन होना हटना अपल होना डिग्रेडेशन कहलाता है गिरावट या घटाव अपन कहलाता है डिपोजिशन ऑफ द वॉन डाउन मटीरियल्स इन लोअलेंग एरियाज इनक्रीजेज एंड एलिवेशन ऑफ दीज एरियाज जबकि जो ये डिपोजिट होते हैं वॉन डाउन ये जितने भी हटाए गए या बहा कर लाए गए सामान हैं मटीरियल्स हैं मिनरल्स हैं ये जब लोअलेंग एरियाज में जमा हो जाते हैं बढ़ने लगते हैं तो वहाँ के एलिवेशन्स को ऊँचाई को बढ़ा देते हैं दिस इज कॉल्ड एग्रेडेशन और इसे हम भूमि वृद्धि भी कहते हैं एंड बोथ द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन वर्क सिमलटेनिस और ये दोनों ही क्रियाएं एक सम रूप से कार्य करती हैं एंड दस ब्रिंग अबाउट इक्विलीबिर इक्विली ब्रिम ऑन द अर्थ सरफेस और इस प्रकार से इक्विलीब्रिम का मतलब है जो पृथ्वी का संतुलन है ये बनाए रखती हैं द लैंडफॉम्स ऑन दर्थ सर्फेस आर ग्रुप्ड अंडर थ्री मेज ए माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लान और अर्थ पर जो लैंडफॉर्म से भूभागे अर्थ के सरफेस पर उसे तीन प्रमुख डिविजन्स में विभागों में विभाजित किया गया है माउंटेंस पर्वत प्लेट्यूज पठान प्लान्स यानी मैदान इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स की माउंटेन्स आप सभी ने देखा होगा हमारे यहाँ द्वार उदयपुर के आसपास के एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा माउंटेन्स हैं आसपास आप देख सकते हैं तो माउंटेन्स आर लैंड ऑफ अर्थ सरफ़ेस राइजिंग ड्रपली फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया वास्तव में माउंटेन्स जो है अर्थ के सरफेस पर स्थित ऐसे लैंड हैं ऐसी भू आकृतियाँ हैं जो राइजिंग एब्रप्टली अचानक से विकसित हुई हैं फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया आस पास के क्षेत्र से माउंटेन्स जनरली कंजिस्ट ऑफ पैरल रेंजेस विथ सैवरल पीक फॉर्मिंग अ चेन और माउंटेन में अक्सर जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती है हैं उनमें अक्सर पैरेल रेंजेस कई सारी समानांतर श्रेणियाँ होती हैं पर्वत श्रेणियाँ सैवरल पीक जिनमें अनेकों चोटियाँ होती हैं वो एक चेन जैसा बना लेते हैं जब आप यहाँ से उदयपुर जाते हैं आपने देखा होगा लाइन से कितनी सारी माउंटेन्स आती है वास्तव में अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है माउंटेंस वेरी इन एजेंसा वेरी का मतलब यहाँ पर अलग अलग विभिन्न माउंटेंस एज यानी आयु में और आकार में अलग अलग होते हैं आयु से इन सेंस कितने पुराने तो माउंटेन्स कई प्रकार के होते हैं द हिमालयाज इन द एशिया एन द एल्स इन यूरोप आर यंग फोल्ड माउंटेन्स जो है, एशिया में हिमालयाज हैं और यूरोप में एल्स पर्वतमाला है वो बहुत यंग बहुत कम पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं सम माउंटेन्स आर परमानेंटली फ्रोजन टू फॉर्म स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ स्नो एंड आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स और जबकि कुछ माउंटेन्स पर्मानेंटली फ्रोजन स्थायी रूप से जमे हुए रहते हैं और स्लो मूविंग रिवर्स बनाते हैं स्नो की और पूरी तरीके से आइस से कवर होते हैं जिन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं देयर आर सम माउंटेन्स विच पिक इन वी cannot नॉट सी एस दे आर अंडर द सी यहाँ पर इसके अलावा कुछ माउंटेन ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते क्योंकि वो समुद्र के अंदर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन माउंटेन्स आर जनरली क्लासिफाइड इंटू फोर टाइप्स उत्पत्ति के आधार पर माउंटेन्स को सामान्य रूप से चार प्रकारों में विभाजित किया गया है दीज आर फोल्ड माउंटेन ब्लॉक माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन रेजिडल माउंटेन आपको पता है हमारे यहाँ राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ये देखिए आप सभी देख सकते हैं ये माउंटेन्स हैं और ये इस तरीके से ये पूरी तरीके से आइस से कवर्ड आपको स्नो कवर्ड ग्लेशियर्स दिखाई दे रहे होंगे तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स वन बाय वन सबसे पहले है फोल्ड माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म बाय द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ फोल्ड माउंटेन्स जो है अर्थ की आंतरिक क्रिया से फोल्ड का मतलब आप सभी को पता है मुड़ना इस तरीके से फोल्ड होना तो फोल्ड माउंटेन्स अर्थ की इंटरनल प्रोसेस से यानी आंतरिक प्रक्रियाओं से निर्मित होते हैं दीज माउंटेंस आर फॉर्म ड्यू टू द पुश ऑफ टेक्टोनिक फोर्सेस अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या टेक्टोनिक फोर्सेस हैं उनके पुश की वजह से उनकी वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो ऊपर आ गई और इस तरह से माउंटेन निर्मित होते हैं दिस पुश और कंप्रेशन कॉजेज भी कॉज द रॉक लेयर्स टू फोल्ड और इस पुश की वजह से या यूं कहें इस कंप्रेशन की वजह से कुछ जगह पर पुश है सॉरी कुछ जगह पर पुश है नीचे से टेक्टोनिक प्लेट से और कुछ जगह से कंप्रेशन है तो इस पुश और कंप्रेशन की वजह से ये जो रॉक्स हैं लेयर्स फोल्ड हो चुकी हैं और अंडर द अंडर द इम्पैक्ट ऑफ अंडर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेज ऑफ कंप्रेशन एंड हॉरिजोनटल रॉक स्टार्टा क्रम्बल्स इंटू ए सीरीज ऑफ अपार्ड फॉल्स एंड डाउनवर्ड फॉल्स और इन जो कंप्रेशन और पुश की जो फोर्सेज हैं उसकी वजह से जो हॉरिजोनटल रॉक होती है यानी जो इस तरह की रॉक्स होती हैं उन पर दोनों तरफ से दबाव लगता है और वो जो परतें हैं रॉक्स की यहाँ पर कई सारी परतें हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की हमारी अर्थ में नीचे की ओर वे क्रम्बल्स वे इस तरीके से मुड़ जाती है दोनों तरफ दब दबाव लगता है और सीरीज ऑफ अपवार्स फोल्ड्स ऊपर की ओर ये फोल्ड में वो बदल जाती है एम शोविंग वंस मोर देखिए ये जो प्लेट्स थी ये इस तरीके से अपवर्ड फोल्ड में बदल चुकी है दोनों तरफ कंप्रेशन की वजह से और नीचे से पुश की वजह से कैन सी दिस ओके okay? और डाउनवर्ड फोल्ड्स अपवर्ड कुछ फोल्ड अपवर्ड है अप, सॉरी अपवर्ड है और कुछ फोल्ड्स डाउनवर्ड से हैं द अपवर्ड फोल्ड्स आर कॉल्ड एंटीक्लाइंस जो ऊपर की ओर फोल्ड है वो एंटीक्लाइंस कहलाते हैं और जो नीचे की ओर के फोल्ड है वो सिंक लाइन्स कहलाते हैं द ग्रेजुअल अपलिफ्टिंग यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इमेजेस दिख रही होगी ऊपर की ओर जो फॉल्स हैं वो एंटी क्लाइंस हैं और नीचे की ओर जो है वो सिंक लाइन्स हैं द ग्रेजुअल अपलिफ्टिंग ऑफ फॉल्स टू फॉर्म द फोल्ड माउंटेन्स टेक प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस और धीरे धीरे जो अपलिफ्टिंग होती है या फोल्ड होते हैं ये फोल्ड माउंटेन का रूप ले, ले लेते हैं अलग अलग स्टेज में एटमोस्ट सॉरी ऑलमोस्ट ऑल द मेजर माउंटेन्स अंडर दिस कैटेगरी वरफॉर्म ड्यूरिंग द रिसेंट पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री और लगभग इस तरह के जितने भी मेजर माउंटेन्स हैं हमारी अर्थ पर इस जो इस कैटेगरी में शामिल हैं वो लगभग रिसेंट पीरियड में हाल ही के वर्षों में निर्मित हुए ज्यो जियोलॉजिकल जो, जो, जो हिस्ट्री हमारी अर्थ का जो भौगोलिक इतिहास है उसमें रिसेंट ईयर्स में ये बने कुछ सौ हज़ार वर्षों में दैट इज़ वाई दे आर नॉन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स और यू नहीं इसीलिए हम यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं द हिमालयाज हैज द रोकीज़ द एंडीज आर देंग फोल्ड माउंटेंस हमारे इंडिया में या यूं कहें एशिया में हमालया एल्प्स यूरोप में रोकीज़ और एंडीज जो हैं अमेरिका के अंदर हैं दोनों नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में ये यंग फोल्ड माउंटेंस हैं और द अदर हैंड ओल्ड फोल्ड माउंटेंस हैव बीन डिन्यूडेड एंड वॉन आउट बाई एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ डिनुडेशन और इसी तरह से जो दूसरी तरफ जो पुराने फोल्ड माउंटेन्स थे वो धीरे धीरे डिन्यूडेड डिनिडेड का मतलब एक घटना उनका खिसकना या फिर वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खिसक के ज़मीन के कटाव की वजह से या एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से वो डिनुडेशन हो चुके हैं उनका बहुत अधिक अनाज छादन हो चुका है वो बहुत हाइट उनकी कम हो गई है द यूर एप्लीशियंस और ऑफ द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और यूरल एप्लेशियन और रावली ऐसे ही कुछ फोल्ड माउंटेंस के उदाहरण हैं देखिए आई एम शॉविंग यू द पिक्चर ये देखिए हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स थी जब दोनों तरफ से कंप्रेस और नीचे से पुश हुआ इंटरनल फोर्सेस की वजह से तो ये इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड आ गए हैं और ये धीरे धीरे जब फोल्ड और ऊपर बने तो ये इस तरीके से उन्होंने माउंटेंस का रूप ले लिया और ये जो उभरे हुए फोल्ड होते हैं इन्हें हम एंटी क्लाइंस और जो निचले वाले हैं उन्हें सिंक सिंकलाइंस कहते हैं वन नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लॉक माउंटेंस इसमें ब्लॉक्स के रूप में माउंटेन फॉर्म होते हैं ब्लॉक माउंटेंस आर क्रिएटेड लार्ज एरियाज आर डिस्प्लेज वर्टिकली बिटवीन टू क्रेक्स और फोल्ड्स इस प्रकार के माउंटेन कब बनते हैं जब लार्ज एरियाज डिप्लेज बहुत बड़ा क्षेत्र डिस्प्लेस हो जाता है हट जाता है वर्टिकली बिल्कुल इससे खड़े तौर से और बिटवीन टू क्रैक्स और फॉल्स यानी कि ये जो है जब इन दो के बीच में क्रैक आ गया और ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर चला गया है या यूं कहें नीचे वाला पार्ट ये इस तरह से नीचे आ गया है तो ब्लॉक माउंटेंस निर्मित होते हैं द ब्लॉक्स बेचार आर अपलिफ्टेड कार हॉस्ट और माउंटेंस जो ब्लॉक ऊपर की ओर उठ गए हैं उन्हें हम हॉस्ट कहते हैं वाइल दो विच आर लोअर्ड वे जो कि नीचे की ओर हो गए हैं आप इस पिक में भी देख सकते हैं जो नीचे हो गए हैं कॉल ग्रेबन और रिफ्ट वैली जिन्हें हम रिफ्ट वैलीज या ग्लोब ग्रेबन uh, कहते हैं ओके आई एम शोविंग यू द इमेजेस लुक ये देखिए जो अपर पार्ट है उठा हुआ पार्ट है ये होस्ट है और नीचे की वो जो पार्ट है ये ग्रे है वन मोर इमेज देखिए ये क्या होता है जब इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये पार्ट इनमें क्रैक्स आ गए ये फोल्ड्स आ गए हैं ये पार्ट ऊपर उठ गए हैं और ये पार्ट नीचे कंप्रेस हो गया है तो ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं नेक्स्ट इज बॉल्केनिक माउंटेंस वॉल्केनिक माउंटेन जैसे कि नाम से इनका इंडिकेट हो रहा है कि वॉल्केनो से बनते हैं वेनेवर देर इज एन इरप्शन ऑफ वॉल्केकेनो द लावा कम्स आउट एंड स्प्रेज अराउंड द वॉलनिक पाइप जब कभी वॉल्केनों का इरप्शन होता है विस्फोट होता है या बाहर निकलता है वॉल्केनों से लावा तब जो लावा है वो वॉल्केनिक पाइप के चारों ओर फेल जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और समय के साथ साथ दिस लावा सॉल्डी फाइज लावा धीरे धीरे हार्ड हो जाता है कठोर हो जाता है गिवराइज टू अ कौन शेप माउंटेन और एक कौन शेप यानी कि कौन जैसे आकार के माउंटेन को जन्म देता है उत्पन्न करता है और कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन माउंट वेसुवियस इन इटली माउंट फ्यूजियम इन जापान माउंट मोनिया इन हवाई आद एग्जांपल्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स ये कुछ माउंटेन्स वॉल्केनिक माउंटेन्स के उदाहरण एम शविंग यू द पिक ये देखिए ये बड़ा पिक देखिए ये वॉल्केनिक पाइप है यहाँ से लावा निकलता है और धीरे धीरे यहाँ पर चारों तरफ जमा होने लगता है और जमा होते होते जब ये धीरे धीरे सॉलिडिफाइड हो जाता है तो ये एक माउंटेन का रूप ले लेता और mountain, mountain है और ऐसा माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन कहलाता है नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिडुअल माउंटेन्स रेजिडुअल माउंटेन्स जो है ये अवशिष्ट से बनते हैं यानी धीरे धीरे माउंटेन्स के कटाव की वजह से लैंडस्लाइड्स की वजह से बनते हैं या यूँ कहें डिनीशन की प्रोसेस से बनते हैं रेजिडियल माउंटेन देखते हैं रेजिडियल का मतलब है अवशिष्ट माउंटेन सम ऑफ द माउंटेन्स विच यूज़ टू बी वेरी हाई ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल हिस्ट्री हैव नाउ बीन वोर्न आउट बाय द एक्सटर्नल एजेंट्स ऑफ डिनुडेशन लाइक रेन वाटर ग्लेशियर विंड एट्सट्रा और कुछ माउंटेन्स जो कि बहुत ही बहुत किसी समय बहुत ऊंचे हुआ करते थे अर्लियर पीरियड ऑफ जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो हमारा भौगोलिक इतिहास है उसके प्रारंभिक काल में जो बहुत ही बहुत ज़्यादा ऊंचे हुआ करते थे एंड वे अब हैव वॉर्न हैव नाउ बीन वॉर्न आउट बाय एक्सटर्नल लेजेंड्स ऑफ और वे अब बहुत ज़्यादा कट चुके हैं धीरे धीरे यहाँ से मिट्टी के कटाव की वजह से या यूँ कहें बाहरी कारकों की वजह से डिनुडेशन डिनुडेशन की जो प्रोसेस है यूँ कहें मिट्टी के केर्दन की जो या नच्छादन की जो प्रोसेस है उसकी वजह से लाइक रेन वाटर बारिश की वजह से ग्लेशियर विंड आदि की वजह से ये धीरे धीरे बॉर्न आउट हो गए कट गए हैं दे आर नोन एज ऑफ रिलेक्ट माउंटेन्स और इन्हें हम सर्कल डिनोडेशन यानी परिष्कार या रिलेक्ट माउंटेन अवशेष पर्वत भी हम कह सकते हैं इधर रावली हिल्स एंड नीलगिरीज़ इन इंडिया आर सच एग्जाम्पल्स और इसमें अरावली और नीलगिरी हिल्स हैं वो इसी प्रकार के माउंटेन्स के उदाहरण हैं हम शॉबिंग यू दिक्चर्स ये देखिए ये जो पर्वत थे इनमें धीरे धीरे ये इतने ऊपर थे किसी समय धीरे धीरे इनकी कटाव की वजह से इनका ये क्षेत्र तो बढ़ गया है ऊपर आ गया है बहुत लेकिन ये जो इनकी हाइट है धीरे धीरे कम हो गई है तो रिजिटल माउंटेन और डिनोडेशन फो माउंटेन्स